तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए रेलवे की एक ऐसी खुशखबरी लेकर आया हूं जिससे दोस्तों चूरू, झुंझुनू, सीकर, रींगस, अजमेर, हिसार तथा अन्य क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। दिवाली के अवसर पर क्षेत्र के लोगों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। दोस्तों इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों हाल ही में रेलवे ने दीपावली के अवसर पर उदयपुर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच एक नई ट्रेन संचालन करने का निर्णय लिया है जिसका टाइम टेबल व नोटिस भी जारी कर चुकी है। दोस्तों सबसे खास बात यह है कि इस ट्रेन को उदयपुर सिटी से वाया अजमेर, रींगस, सीकर, झुंझुनू, लोहारू, सादुलपुर, हिसार होकर चलाया जाएगा जिसे दोस्तों सीकर, चूरू व झुंझुनू क्षेत्र के लोगों को सबसे बड़ा तोहफा मिला है। दोस्तों रेलवे के अनुसार ट्रेन नंबर 09603 उदयपुर श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस जो 2 अक्टूबर से सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को रात को 1:50 पे उदयपुर सिटी से रवाना होकर वाया राणा प्रताप नगर, मावली, चंदेरिया, भीलवाड़ा, मंडल, विजयनगर, नसीराबाद, अजमेर, किशनगढ़, फुलेरा, रींगस, सीकर, नवलगढ़, झुंझुनू, चिड़ावा, सूरजगढ़, लोहारू, सादुलपुर, शिवानी, हिसार, धूरी, लुधियाना, जालंधर केठ, जम्मूतवी होते हुए दूसरे दिन सुबह 6:35 पे श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंचेगी तथा दोस्तों वापसी में ट्रेन नंबर 09604 के साथ 3 अक्टूबर से सप्ताह के प्रत्येक गुरुवार को सुबह 10:50 पे श्री माता वैष्णो देवी कटरा से रवाना होकर इसी रास्ते चलकर दूसरे दिन दोपहर 1:55 पे उदयपुर सिटी पहुंचेगी। दोस्तों इस ट्रेन में सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास तथा जनरल क्लास के कोच लगाए जाएंगे तथा दोस्तों इस ट्रेन को एक स्पेशल ट्रेन के रूप में संचालित किया जा रहा है तथा दोस्तों यात्री भार सही रहने से इस ट्रेन को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों इस ट्रेन के चलने से झुंझुनू, सीकर के लोगों को सबसे बड़ा फायदा मिला है और रेलवे ने दीपावली के अवसर पर झुंझुनू व सीकर के लोगों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है क्योंकि दोस्तों उन्हें पहली बार श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए एक डायरेक्ट ट्रेन मिली है तथा दोस्तों उदयपुर से भी सीकर व झुंझुनू का पहली बार जुड़ाव हुआ है। तो दोस्तों ये थी रेलवे की एक छोटी सी अपडेट। दोस्तों इन अपडेट को लेकर आपकी क्या राय है कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी जानकारी। दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।